हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हैं, लखनऊ की रत्ना में आपका स्वागत है। तो गाइज, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो गाइज, समय बज रहा है सवेरे का 5 और आप देखिए अभी इतना उजाला नहीं हुआ है। और गाइज, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत ही सुहावना मौसम है। तो मैंने सोचा चलो, उधर मैंने सब्जी छौंक दी थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर बालकनी में खड़े होके हरे हरे प्लांट्स देख लेते हैं, थोड़ी ठंडी हवा खा लेते हैं। तो भाई गाइज, मैं खड़ी हुई हूँ अपनी बालकनी में और आप लोग देख सकते हैं सवेरे का मौसम कितना ही अच्छा होता है। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं बच्चे यहाँ जा रहे हैं स्कूल और उनका टिफिन विफिन मैंने दे दिया था, लगा दिया था, उन्होंने चाय वाय पी ली थी। अब बच्चे निकल रहे हैं, अक्षत की वैन आ गई, अभी बिट्टू की नहीं आई है। बस दो एक से दो मिनट का अंतर होता है दोनों की वैन में, पहले अक्षत की आती है फिर बिट्टू की आती है। तो चलिए गाइस, हम अपने ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ गाइज, मैं कर रही हूँ साफ सफाई, ये आप लोग तो जानते हैं। फिर बच्चे जब चले जाते हैं तो कितना घर सुबह सुबह मॉर्निंग में फैला हुआ होता है, तो वही मैं यहाँ समेट रही हूँ। पूरा घर इतनी बुरी तरह गाइज फैला रहता है, डाइनिंग पे तो सामान, तकिया उधर पड़ी, गिरदे उधर पड़े, कम्बल ऐसे पड़े। वही गाइज, कम से कम 1 घंटा तो गाइज घर साफ करने में ही लग जाता है। बजा था दोपहर का 2 और काम वाली काम वाम सब करके चली गई थी। घर एकदम नीट एंड क्लीन हो गया था। तो भाई मैं सोचा चलो आज बच्चों के लिए कोफ्ते बना लेती हूँ। तो भाई मैं लौकी देखी यहाँ छील रही हूँ, तो चलिए हम बना लेते हैं अपने कोफ्ते झटपट से। और बच्चे रोज़ कहते हैं मम्मी ये बनाओ वो बनाओ, आखिर रोज़ रोज़ क्या बनाए, दाल खा खा के भी बच्चे बोर हो जाते हैं। तो चलिए गाइस, बना लेते हैं हम अपने कोफ्ते। मैं बज रहा है घड़ी में 2 और अक्षत आने वाला है और बिट्टू आ गई है। देखिए बिट्टू पीछे पड़ रही है क्योंकि बिट्टू के चल रहे हैं एग्जाम, तो बिट्टू की 11 बजे छुट्टी हो जाती है। और गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ कोफ्ते। ये देखिए मैंने लौकी घिस के रख ली है और चलिए बना लेते हैं हम कोफ्ते। देखिए गाइस, मैंने प्याज कद्दूकस कर लिया है, लौकी कर ली है, बन रहे मेरे चावल। रोटी मैंने सुबह ही बना दी थी, तो चलिए बना लेते हैं। ये देखिए गाइस, बन रही मेरी कोफ्ता की पकौड़ियाँ। ये देखिए गाइस, कोफ्ता मेरा बन के हो गया है तैयार। तो चलिए अक्षत आ जाता है तो फिर लगाते हैं खाना, फिर आपको दिखाएंगे कैसा बना है। तो गाइस, समय बज रहा है शाम का 5, हम लोग खाना वाना खा चुके हैं और बिट्टू के बुखार चढ़ा है। अक्षत तैयार है कोचिंग जाने के लिए, बिट्टू नहीं जाएंगे। जाओ, टाइम हो रहा है 5:10 हो गया है और इनके चढ़ा है बुखार, दवा दी है लेकिन अभी तो वो नहीं है। 70 के ऊपर ना बैठ के बच्चे जाओ। ओके बाय, खुश रहो। हरीश बाय नमस्तभ्यम। वो है अपनी प्रियंका दीदी क्या, और जिनसे हम अपने कपड़े बनवाते हैं। प्रियंका हाय करो सबको। हेलो। और गाइस, ये बहुत ही अच्छे कपड़े बनाती हैं और मैं तो ये कहती हूँ जो कोई यहाँ अगल बगल रहता है वो प्रियंका से आके कपड़े जरूर बनवाया करिए। चंद्रा गेस्ट हाउस के पास में इनकी दुकान पड़ती है। और गाइस, जैसे मैं कहती हूँ ना मुझे आज ही चाहिए, तो प्रियंका हमारी आज ही कहो बना के दे दें। तो गाइस, ये इनमें बहुत अच्छी अच्छाई है और बहुत ही, ये देखिए सूट वूट इन्होंने बना रखे, ये तो ब्लाउज बना रखे हैं। ये देखिए एक से एक ये गले बनाती हैं। और इधर भी अभी काफ़ी सूट गाइस निकल गए हैं। सूट क्या क्या बनाती हो प्रियंका, बताओ। प्लाजो, लहंगे, लहंगे।
सरारा करारा। तो गाइस जो बनवाइए, और प्रियंका के रेट भी बहुत अच्छे हैं, प्रियंका का नेचर भी बहुत अच्छा है, और प्रियंका झटपट काम करके देती है। देखिए प्रियंका ने, मैंने साड़ी दी थी बनने के लिए, देखिए बना दी तीजा के लिए। वाओ, और ये देखिए इसका गला बनाया है प्रियंका ने, कितना सुंदर, बहुत ही प्यारा भाई। वाह प्रियंका, दिल खुश कर दिया तुमने। गाइस 3 दिन में प्रियंका ने पूरा सब बना के एकदम दे दिया। ये देखिए मैंने साड़ी बनवाई थी तीजा के लिए, मैं तीजा का व्रत नहीं रहती हूँ लेकिन पहन के पूजा करती हूँ, बहुत बढ़िया। तो गाइस मैं, बज रहा है 8:15 और मैं आ गई हूँ टहल के, और गई थी बिट्टू के लिए दवा लेने, बिट्टू की दवा ले आई हूँ। और बिट्टू को दवा मैं नहीं पिला पाऊँगी, इनके पापा ही पिलाएंगे, क्योंकि मुझसे उल्टी कर देती है, देखिए इधर बैठी हुई है। वो तो सब लोग जानते तुम कितना पीती हो। तो चलिए गाइस बना लेते खाना। दोपहर में बनाया था मैंने कोफ्ता, और कोफ्ता वो खाएंगे नहीं इनके पापा, तो उनके लिए मुझे तोरई की सब्जी बनानी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ी सी उनके लिए बना देती हूँ तोरई की सब्जी, नहीं तो फिर वो पेट भर के खाना नहीं खाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं आपसे किचन में। तो यहाँ कट रही गाइस मेरी तोरई की सब्जी। अक्षय चलो उठ के पढ़ो जाके। और गाइस ये अक्षत को बहुत डांटना पड़ता है, सुनते नहीं है बिल्कुल भी। चलो उठो। सब्जी मेरी बन गई है, दोपहर में कोफ्ते बनाए थे वो भी रखे हुए हैं, और मैं अच्छा से 20 बार कह चुकी हूँ कि ये टी शर्ट उतार दो, क्योंकि गाइस ये लोग कोचिंग पहन के जाते हैं और फिर आते हैं उसमें ये वाइट है, उसमें दाग लगा लेते हैं, लेकिन ये लोग मेरी बात नहीं सुनते। क्यों अच्छा ऊपर देखो, अच्छा मम्मी की बात माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए? तो गाइस देखिए जैसे कोई 3 साल का बच्चा हो। अभी जवानी थोड़ी ना आई। अबे जवानी नहीं आई तो फिर अबे बच्चे भी नहीं हो तुम। हाँ तो पढ़ा नहीं कर। आओ का। ए अपन गुटका लाओ। रात्रि सिग्नेचर खाएंगे। ये रात्रि गुटका खाएंगे। बंद कर दो, तुम्हें पीछे गुस्सा आ रही है, अभी अपना 2 किलो मैल फेंक के मारे। लेके आई थी अपने कपड़े। गाइस पोएम पढ़ी जा रही है। अर्थ समझाओ। इसका मतलब है गुरु गोविंद दोनों खड़े, मतलब गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, और सब कोई कह रहा है कि आप पहले गुरु के पांव छुएंगे कि गोविंद के छुएंगे। तो गोविंद दोए में कहते हैं कि पहले गुरु के पैर छुओ, क्योंकि गुरु ने तुमको पहले शिक्षा दी है, मैंने तुम्हें शिक्षा नहीं दी है, तो तुम्हें गुरु के पैर छूने चाहिए। वेरी गुड। बड़ा हुआ तो क्या। यहाँ पे गाइस मैं रात के लिए काट रही हूँ, मतलब रात क्या सुबह के लिए काट रही हूँ सब्जी, और खाना वगैरह हमारा हो चुका है, और ये कट रही है सब्जी। ये लाए थे चोरई, वही हरी हरी जो होती है उसी की सब्जी मैं काट रही हूँ। चोरई का साग, नारी का साग जो भी इसको बोलते हैं। गाइस एक आलू डाल देती हूँ, नहीं तो अच्छा बिना आलू के खाता नहीं है, और बिट्टू जो है वो पत्ते पत्ते खाती हैं, इसलिए दोनों को ध्यान में रखते हुए एक आलू डाल देती हूँ। तो यहाँ गाइस मैं काट रही थी सब्जी, और मैंने कहा लो किचन वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ,
गाइस किचन उचन साफ करके ही सोना चाहिए। वैसे भी मैं क्लीन करके ही सोती हूँ, एक आधे बर्तन वर्तन भी धो लेती हूँ जो सुबह के लिए ज़रूरत होती है। यहाँ सब्जी वब्जी मैं सब धो धा रही हूँ, सब्जी धो के रख देती हूँ, आटा सान के रख देती हूँ, नहीं तो हाथों की वजह से गाइस मैं सुबह आटा सान नहीं पाती हूँ। सारा किचन गाइस मैंने क्लीन कर दिया है और गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू।